हम में से बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स और लाइव स्ट्रीमर्स अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पर इस्तेमाल करते हैं मी सिक्स बॉट को, कि वो हमारी लाइव स्ट्रीम के नोटिफिकेशन हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर मेंबर्स को भेजे, या अगर हम लोगों ने कोई वीडियो अपलोड की है तो उसका नोटिफिकेशन हमारे डिस्कॉर्ड मेंबर्स को चला जाए। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो हमारे नए स्ट्रीमर भाई लोग हैं जो जुड़ रहे हैं, जो धीरे धीरे अपना डिस्कॉर्ड सर्वर बना रहे हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि मी सिक्स का ये जो पर्टिकुलर फीचर है जिसमें वो यूट्यूब के नोटिफिकेशन भेजता है डिस्कॉर्ड सर्वर के मेंबर्स को, वो प्रीमियम कैटेगरी में आ गया है, वो पेड हो गया है। तो इस वीडियो में हम लोग एक सब्स्टिट्यूट बॉट ढूंढने वाले हैं जो कि बहुत ही प्रॉम्प्ट है, बहुत ही रिलायबल है, और इवन कि उसमें आप अपना कोई पर्टिकुलर ट्विटर हैंडल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ट्विच पे स्ट्रीम कर रहे हैं तो भी वहाँ पे शेयर कर सकते हैं उसको, या अगर आप फेसबुक पे भी जा रहे हैं तो उसकी लाइव के नोटिफिकेशन वो भेजेगा। इसके साथ तीन तीन यूट्यूब चैनल को आप उसमें ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ऐसा किया है कि आपके एक से ज़्यादा चैनल हैं, एक पे आप स्ट्रीम करते हैं, एक पे आप अपनी हाइलाइट्स जो है उसकी गेम प्ले की उसको अपलोड करते हैं, तो ये सारे के सारे वीडियो और लाइव स्ट्रीम के नोटिफिकेशंस जो है ये एक ही बॉट कवर करेगा आपके डिस्कॉर्ड सर्वर में, टाइमली आपके डिस्कॉर्ड सर्वर मेंबर्स को नोटिफिकेशन भेजेगा, और ये सारे फीचर्स एकदम फ्री। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आपको पसंद आएगी। जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। भाई लोग कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ज़बरदस्त, जिंदाबाद, हमेशा की तरह। वेलकम टू ब्लडी हेल गेमिंग। और सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वो लाइक वाला बटन दबाने में कंजूसी मत करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल अभी तक नहीं किया है तो। सपोर्ट मिलता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे स्ट्रीमर भाई लोगों की, कॉन्टेंट क्रिएटर भाई लोगों की प्रॉब्लम है उसको थ्रू वीडियोज़ हम लोग सपोर्ट कर सकें। अभी हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को लॉग इन करके रख लेना है हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे, और उसके बाद हम लोग चलेंगे गूगल क्रोम पे और वहाँ सर्च करेंगे डिस्कॉर्ड बॉट्स। तो चलते हैं क्रोम की स्क्रीन पे और देखते हैं आगे का प्रोसीजर। ओके, तो फटाफट से ब्राउज़र पर सर्च करते हैं डिस्कॉर्ड बॉट्स। मैं राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ डिस्कॉर्ड बॉट्स, और ऊपर ही वेबसाइट आ रही है top.gg, क्लिक करते हैं इस पर। और यहाँ पे हम लोग अपने बॉट का नाम सर्च करेंगे, ये है PINGCORD, पिंग कॉर्ड बॉट है, क्लिक करते हैं। और क्लिक करने के बाद ये नीचे जो ऐट द रेट वाला बॉट आ रहा है, यही हमारा बॉट है, इसको क्लिक करते हैं इनवाइट पे, और एक बार और इनवाइट करना पड़ेगा। और इसके बाद हम लोग अपने गूगल जो अपना डिस्कॉर्ड सर्वर है उसकी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के फटाफट से लॉगिन करते हैं। तो क्रेडेंशियल्स डालता हूँ, लॉगिन करते हैं जल्दी से। ओके, तो लॉगिन करते हैं जल्दी से, क्लिक करते हैं लॉगिन पर, और उसके बाद शायद हम लोगों से कुछ पूछा जाएगा, और उसके बाद सारे के सारे जो राइट्स हैं, एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होते हैं, उन लोग इस बॉट को देंगे, ऑथराइज करेंगे इसको, और यहाँ पे हम लोग अपना पूरा इस पूरे हिसाब किताब को सेटअप करेंगे। क्लिक करते हैं कंटिन्यू, और ये सारे के सारे परमिशंस हम लोगों ने दे दिए, ऑथराइज करते हैं इसको कि ये बॉट्स वाले सारे काम कर सके। एक्चुअली ऑब्वियसली आई एम अ ह्यूमन, जो टेस्ट लेते हैं ले लें। एंड आफ्टर दैट तो फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं जो डिस्क, ये जो पिंक कॉर्ड बॉट है उसका जो डैशबोर्ड है। इसके अलावा हम लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे ये बॉट आया है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्कॉर्ड बॉट, यहाँ पे पिंक कॉर्ड बॉट जो है वो आ गया है, लाइव है। तो वापस चलते हैं अब हम लोग क्रोम की स्क्रीन पर और देखते हैं कि डैशबोर्ड में हम लोगों को क्या क्या कन्फिगर करना है। तो अब हम लोग कन्फिगर करेंगे पिंक कॉर्ड बॉट को हमारे यूट्यूब चैनल के लिए और हमारे फेसबुक पेज के लिए। तो मैं क्लिक करता हूँ यूट्यूब पर, और YouTube पे क्लिक करने के बाद देखिए फिलहाल हमने कोई भी चैनल ऐड नहीं किया है। तो क्लिक करेंगे न्यू इंटीग्रेशन, और न्यू इंटीग्रेशन पे सबसे पहले हम लोगों से पूछेगा कि हमारे Discord सर्वर के कौन से चैनल पे पिन कोड बॉट जो है उसको नोटिफिकेशन भेजना है। नॉर्मली ऐसा होता है किसी भी Discord सर्वर में हम लोग लाइव स्ट्रीम नोटिफिकेशन या वीडियो नोटिफिकेशन के नाम से अलग एक चैनल बना लेते हैं कि वहीं पे पिन कोड बॉट जाके ये मैसेज छोड़े हमारे मेंबर्स के लिए। तो फिलहाल हमारा जो ब्लड हेल गेमिंग 2.0 का जो डिस्कॉर्ड सर्वर है उसमें दो ही चैनल्स हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेता हूँ जनरल। लेकिन आपको सेलेक्ट करना है वो चैनल जो आपने बनाया है लाइव स्ट्रीम नोटिफिकेशन के लिए या वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है अपना डिस्कॉर्ड सर्वर बनाने में, तो चाहे आप PC पे हो या स्मार्टफोन पे, दोनों के ही कंप्लीट ट्यूटोरियल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करिए। चाहे आप PC पे बनाना चाहें उसके लिए एक अलग डेडिकेटेड वीडियो है, चाहे आप स्मार्टफोन पे बनाना चाहें उसके लिए अलग डेडिकेटेड वीडियो है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर नीचे ऑप्शन है कि आपको अपलोड्स के लिए, आप जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसके लिए नोटिफिकेशन भेजने हैं, लाइव स्ट्रीम के लिए भेजने हैं। पिंग फॉर अपलोडिंग वीडियो में आपको चेक करना है क्लिक करने के बाद कि यहाँ पे देखिए मैसेज कैसे शो होगा। एवरीवन मतलब आपके डिस्कॉर्ड सर्वर पर जितने मेंबर हैं सबको यहाँ पे कोट करेगा ये, और ये लिखेगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखेगा ब्लडी हेल गेमिंग लाइव जस्ट अपलोडेड, वीडियो का टाइटल और उसके बाद वीडियो का लिंक, और नीचे इस तरीके से आपका जो पूरा वीडियो है वो शो होगा, जो मैसेज है वो शो होगा। ठीक है, तो नीचे आए थोड़ा सा अगर, तो यहाँ पे आपको अपने अपने चैनल का जो आपका जो चैनल है उसका URL ऐड करना है। यहाँ पर अपने चैनल का URL आप लेंगे, मैं जाता हूँ YouTube पे, और YouTube पे जाने के बाद हम लोग क्लिक करेंगे अपने चैनल पर,
योर चैनल, और जब आप योर चैनल करके खोलेंगे तो यहाँ पे ऊपर ये जो लिखा आ रहा है ये आपका जो चैनल है उसका यूआरएल है। तो यहाँ पे इससे करते हैं कॉपी और जाके इसको पिंक कॉड बॉट पे कर देते हैं पेस्ट। तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसको, और पेस्ट करने के बाद क्लिक करते हैं ऐड चैनल। तो यहाँ पे आप देखिए लिखा आ गया ब्लड हिल गेमिंग 2.0, यानी कि ये पर्टिकुलर चैनल यहाँ पे ऐड हो गया है। अब इसके बाद हम लोग ऐड करने वाले हैं, देखिए एक ऐड हो गया, इसके बाद दूसरा यूट्यूब चैनल पूछ रहा है, जो मैं आपको बता रहा था कि तीन यूट्यूब चैनल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब ऊपर चलते हैं, इतना तो हो गया हमारा वीडियो अपलोड होने के लिए। अब हम लोग बिल्कुल सेम प्रोसीजर है लाइव स्ट्रीम के लिए, क्लिक करते हैं लाइव स्ट्रीम्स पे, पिंग फॉर लाइव स्ट्रीम, और यहाँ पे आप चाहें तो इस पर्टिकुलर मैसेज को अपडेट कर सकते हैं, एवरीवन इस चैनल पे लाइव है और लाइव का लिंक, और इस तरीके से इशू होगा यहाँ पर। तो इसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे। नीचे हम लोगों को मान लीजिए यही चैनल है जिसपे हम लोग लाइव भी जाते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे दूसरा चैनल ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसी चैनल पे कर रहा हूँ इसको। इतना करने के बाद हम लोग क्लिक करेंगे सेव पर, और ये सेव करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे भाई लोग हमारे ये गलती करते हैं कि पूरी सेटिंग्स करने के बाद सेव नहीं करते, और ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो भाई लोग जो हमारे स्ट्रीम लैब्स पे पॉइंट सिस्टम कोशिश कर रहे हैं, या जो ऑनलाइन जो ऑन स्क्रीन अलर्ट्स जो होते हैं उनको कन्फिगर कर रहे हैं, वो कन्फिगरेशन को सेव नहीं करते हैं, और फिर प्रॉब्लम आती है कि जो अलर्ट्स हैं वो शो नहीं हो रहे। तो ये सेव करने के बाद पूरा हम लोग ऊपर चलेंगे, तो इतना काम तो हो गया आपका एक ही चैनल पे अगर आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं और आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, तो उन दोनों के लिए। अब हम लोग आते हैं फेसबुक पेज पर, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा फेसबुक पेजेस पे, और फेसबुक पेज पे आने के बाद हम लोगों को यहाँ पे अपने फेसबुक पेज का नाम देना पड़ेगा। यहाँ पे भी नया इंटीग्रेशन है, क्लिक करते हैं इस पर, और क्लिक करने के बाद अगर आप फेसबुक पे लाइव जा रहे हैं या आप फेसबुक पे कोई पोस्ट भी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये पिंग करेगा। तो शुरुआत बिल्कुल वैसे ही, सबसे पहले हम लोग देंगे कि ये जो फेसबुक लाइव का नोटिफिकेशन है ये हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे कौन से चैनल पे शो होने वाला है। यहाँ पे मैं फिर क्लिक करूँगा एक बार जनरल पे, आपको वही चूज़ करना है जो आपने रखा है। इसके अलावा नीचे उतरेंगे हम लोग, क्लिक करेंगे लाइव स्ट्रीम पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लाइव स्ट्रीम के लिए कन्फिगर कर रहे हैं, पोस्ट्स के लिए नहीं कर रहे हैं। आप चाहें तो पोस्ट्स के लिए भी कर सकते हैं, अगर आप ट्वीट कर रहे हैं तो ट्वीट के लिए भी इसको कन्फिगर कर सकते हैं। आप देखिए ट्विटर का भी यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। तो नीचे अगर आएँ तो ये मैसेज है, जैसे बिल्कुल वैसे जैसे यूट्यूब पे था, आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं चाहें तो। ये इसका सैम्पल है कि कैसा ये शो होगा आपके डिस्कॉर्ड सर्वर पे। और नीचे आने के बाद हम लोगों को अपना जो फेसबुक पेज है उसको यहाँ ऐड करने के लिए पहले हम लोगों को अपना फेसबुक अकाउंट जो है उसको लिंक करना पड़ेगा। तो मैं क्लिक करता हूँ पहले लिंक योर फेसबुक अकाउंट पर, हम लोग लॉगिन करते हैं और उसके बाद फिर अपना पेज यहाँ पर ऐड करेंगे। क्लिक करते हैं लीव पर, और यहाँ पे हम लोग करते हैं कंटिन्यू विद फेसबुक। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा जो ब्लड हिल गेमिंग का पेज है वो यहाँ पे आ रहा है, इसको सेलेक्ट करेंगे, करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद ये सारे आपको अलाउ करने हैं, इसको क्लिक कर देंगे डन पर, और यहाँ पे आपका फेसबुक पेज जो है वो लिंक हो गया है, ऊपर लिंक आ रहा है यू आर नाउ लिंक टू पिंक कॉड फेसबुक, क्लिक करना है ओके एंड दैट्स इट। अब हम लोग रिटर्न जाएंगे वापस हमारा जो डैशबोर्ड है उस पर, और वहाँ पे जाके देखेंगे कि हमारा जो फेसबुक पेज है वो आ गया है या नहीं आया है। तो इतना करने के बाद आप वापस आएंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो नीचे आ रहा है ब्लड हिल गेमिंग, हमारा फेसबुक पेज यहाँ पे अब डिटेक्ट हो रहा है। क्लिक करते हैं इसको और क्लिक करते हैं ऐड पेज, और आप ये देखिए कि इतना करने पर जो पेज है हमारा ब्लड हिल गेमिंग का वो यहाँ पर ऐड हो गया है। इसके बाद हम लोगों को सेव ज़रूर करना है इसको, एंड वी आर डन। यहाँ पे इतना ही करना है, केवल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल्स के लिए हम लोगों को इतना ही प्रोसीजर फॉलो करना है। और पिंक कॉड बॉट जो है अपने आप जब भी आप फेसबुक पे लाइव जाएंगे या जब भी आप अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव जाएंगे या यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड करेंगे तो पिंक कॉड बॉट जो है वो जाके पिंग कर देगा सारे मेंबर्स को प्रॉम्प्टली। आप चाहें तो इसका एक डेमो ब्लड हिल गेमिंग के डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी आके देख सकते हैं। तो इतना कॉन्फ़िगरेशन है एंड दिस इज दी होल प्रोसेस। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पे ट्विटर के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, अगर आप इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके डिस्कॉर्ड मेंबर्स भी हैं वो बराबर चेकआउट करते रहें कि आप क्या लेटेस्ट स्टोरीज़ हैं आपकी, तो यहाँ पे आप इंस्टाग्राम हालांकि बीटा में है, ट्विटर इनको भी आप यहाँ पर बिल्कुल सिमिलर तरीके से, सिमिलर प्रोसीजर से यहाँ पर कन्फिगर कर सकते हैं। अगर आपको इस पूरे सेटअप में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो का कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करिए, पूछिए हमसे, हम लोग कोशिश करेंगे आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अभी तक नहीं किया है तो, और वो घंटा आपको ज़रूर बजा देना है जो बेल नोटिफिकेशन आइकॉन है, नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर कर देना है, क्योंकि आपको पता है कि सारा चमत्कार उस घंटे से ही होता है। जब भी एक नई वीडियो आती है वो घंटा बजता है और आप लोगों को पता लग जाता है कि वीडियो आ गई है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।